This has been a horribly tragic and difficult time, but it has also been a time when we have seen social and even political organizations come into the field, volunteer, and shown that the power of one, or sometimes the power of a few, can get much achieved. Here in the crowded Nehru Nagar Basti of Mumbai, which is a red zone and a virus hotspot, volunteers of the RSS are actually here risking their own lives at the front line, like so many other good Samaritans, and are helping Mumbai Municipal Corporation with screening, testing, data collection, and urging people to step out and get tested and also provide information. We're going to talk to some of the volunteers here. In fact, all of the people you see sitting here in the PPE are not officials. They are volunteers of the RSS. Some of them are medical students, some of them are doctors, but many of them are ordinary citizens who have trained to do this job. अपने बारे में आप बताएंगे कुछ, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप प्रजापति है। हाँ? मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ। और आप वैसे क्या करते? ऐसे हम लोगों को बोला गया था कि मतलब आप तैयारी करके रखिए कि आपको कभी भी जाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो हमने बोला कि हमें एनी टाइम, हम तो समाज का काम करते ही, हमको कभी भी समाज में उतरना है तो हम एनी टाइम रेडी है समाज में उतरना। पर आप वैसे डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है। आप वैसे क्या करते हैं? हम वॉलंटियर, हम सिर्फ टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर से चेक करके डॉक्टर के पास भेजते हैं, डॉक्टर का जो सजेशन रहता है वो बताते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इफ यू जस्ट कम हियर, दिस इज व्हाट इज यूज्ड, द ऑक्सीमीटर टू चेक द ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड, द थर्मल स्कैनर व्हिच वी ऑल नो बाय नाउ टू चेक टेम्परेचर स्क्रीनिंग। अपने बारे में कुछ बताएंगे सर? जी, मेरा नाम डॉक्टर अमित शर्मा है। आप डॉक्टर हैं? नहीं नहीं, मैं हिंदी में PhD हूँ। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, PhD के डॉक्टर है, RSS के साथ जुड़े हैं, लेकिन यहाँ कैसे वॉलंटियर करने? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पिछले 8 साल से कार्य करता हूँ और मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और वहाँ से सामाजिक सेवा में जो भी हमें मौका मिलता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा, PPE पहनने से बहुत लोगों को घुटन होती है, मैंने भी बहुत कुछ बारी पहना, मुझे तो बहुत घुटन हुई, आपको नहीं हो रही? अब तो एक सामाजिक जो दायित्व है तो उसके आगे तो इसको तो थोड़ा सा समझौते से करना पड़ेगा, व्यक्तिगत सुविधा से अलावा समाज में हम जाएंगे तो ही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे,